न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकगणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस राज्य के नेता आ रहे हैं जो कि थोड़ी ही देर में हमारे स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं, तो हमारे शास्त्रों का मानना है कि ऐसे महान हस्तियां जब भी कहीं जाती है तो कोई ना कोई हंगामा जरूर होता है। तो दिल थाम के बैठे रहिए, बस कुछ ही देर बाद हमारे नेताजी हमारे स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। जहां न पहुंचे मनीष कश्यप कभी, जहां न पहुंचे मनीष कश्यप कभी, वहां पहुंचे सच तक की न्यूज सभी। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी भाइयों को भी नमस्कार एवं उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। जो गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, जो दूसरों में घुस घुस कर आए हैं उनको भी नमस्कार। आइए नेताजी, आपका सच तक के स्टूडियो में स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे स्थान ग्रहण करने के लिए चारपाई कहाँ लगी हुई है? ये स्टूडियो है नेताजी, यहाँ चारपाई नहीं चेयर लगाई गई है। ये चेयर क्या होती है? छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। ओ छोटी चारपाई, ठीक है ठीक है। अच्छा नेताजी, तो अब हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। ये इंटरव्यू क्या होती है? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। ओ साक्षात्कार, पूछो पूछो। नेताजी तो ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? हमारा जन्म इंडिया में हुआ था। इंडिया में? सर मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? अरे पागल, इलाका तो कुत्ते का होता है, हम तो इज्जतदार आदमी है, इज्जतदार। नेताजी मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में हुआ था? अरे पागल, जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय मैं छोटा बच्चा था, तब तो मेरी आंखें भी नहीं खुली थी, मुझे क्या पता कि घर के कौन से कोने में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा नेताजी, तो अब हम थोड़ी जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। ये जनरल नॉलेज क्या होती है? सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। ओ सामान्य ज्ञान, पूछो पूछो। अच्छा नेताजी, तो ये बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पर पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था। अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं नेताजी, आर्मी स्ट्रॉन्ग। नेता तू है कि मैं? नहीं आप डिस्टर्ब करता है, नॉनसेंस। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे बाबरे, वो एक पांव लेकर चांद पर लंगड़ी खेलने गया था क्या? दूसरा कदम भी उसी ने रखा था। अच्छा नेताजी, तो अब हम थोड़ी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। ये पॉलिटिक्स क्या होती है? राजनीति नेताजी, राजनीति। ओ राजनीति, पूछो पूछो। नेताजी तो ये बताइए कि आपकी सरकार कैसी चल रही है? हमारी सरकार ब्राह्मणों से चल रही है, राम भरोसे। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? नहीं रे, राम भरोसे मतलब जय राम भरोसे। लेकिन वो कैसे? सारा काम तो ये करता है, मैं तो अंगूठा लगाता हूँ, अंगूठा। अच्छा नेताजी, तो ये बताइए कि आपने पिछली बार जब चुनाव जीता था उस समय जनता के लिए क्या किया? क्या किया रे? सारा चीटा खोलेंगे क्या ना, तो बता दीजिए कि कंबल बंटवाए थे। हाँ पिछले साल मैंने गांव में कंबल बंटवाए थे, कंबल। जनता को? नहीं रे, जानवरों को, गाय भैंसों को। अच्छा नेताजी, तो आपने वोट जनता से लिए और कंबल जानवरों को बंटवा दिए? अरे पागल, दूध तो हम उन्हीं का पीते हैं, मर जाते बेचारे, बहुत ठंडी है। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदा। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा नेताजी, तो आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता है, जूता। जूता साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जूता साहब जिंदाबाद।
नेता जी, तो आप अपने पार्टी से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपनी पार्टी के द्वारा जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें भारी बहुमतों से विजयी बनाए, जो कॉफी से ना माने उसे दारू पिलाए। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा नेताजी, तो ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? ये डेमोक्रेसी क्या होती है? प्रजातंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। ओ प्रजातंत्र, जनता के द्वारा जनता की आसी तैसी, उसी को कहता हूँ मैं डेमोक्रेसी। नेताजी तो ये बताइए कि पिछले साल गांव में आग लगी थी, उसमें आपकी क्या सहभागिता था? पिछले वर्ष जो गांव में आग लगी थी उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे। जो लोग घायल हुए थे उन लोगों को हमने शमशान घाट तक पहुंचवाया, और जो लोग मर गए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। जो लोग घायल हुए थे उन्हें 10 रुपए का मुआवजा दिलाया, और जो लोग मर गए थे उन्हें 50 रुपए का मुआवजा दिलाया, और जो लोग मर गए थे उन्हें जिंदा करने की प्रोसेस अभी भी जारी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीता था जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा नेताजी, तो ये बता दीजिए कि पिछले कई महीनों से महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? बात को पलट दीजिए नेताजी। कितनी देर से पका रहे रिपोर्टर, अपनी मोबाइल निकाल लीजिए नेताजी। इधर आ, इधर आ, देख अपनी तस्वीर अच्छी आ रही है, तू लोग भी आ जा। चल अब पारो को कॉल करने दे। ये पारो कौन है नेताजी? छमिया रे छमिया। हेलो पारो, कहाँ हो तुम अभी? जल्दी से हरसिंहपुर के स्टेज पे पहुँचो। यहाँ पे आज तक, कल तक, परसों तक, झूठ तक, सच तक की सारी कैमरा लगी हुई है। हाँ, और साथ में मंगरू को भी ले लेना, ठीक है?